सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी रिव्यू करें हीरो स्प्लेंडर का, जो कि अपग्रेड होके आया है, जो कि बहुत सारे फीचर के साथ आया है। तो अपडेटेड स्प्लेंडर, तो इसका मीटर कुछ ऐसा दे रखा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। जो कि स्पीडोमीटर शो हो रहा है डिजिटल पूरा, जो कि स्पीड दिखा रहा है, फ्यूल कैपेसिटी दिखा रहा है, न्यूट्रल है, इंजन मार्निंग वगैरह सब दिखाएगा। तो ये अपडेट होकर आया बाय द वे स्प्लेंडर, जो कि ब्लू एंड ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। स्टिकरिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यूज़ किया गया। तो इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा ही दे रखा है, मतलब पहले जैसा ही लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपडेट होके आया है। तो इसका अभी लाइट दिखा देते हैं आपको। जो लाइट जो मिलता है वो हेलोजन मिल जाता है, बाय द वे यहाँ DRL देखने को मिल जाता है। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है स्प्लेंडर एक्सटेक का, जो कि 78,251 पड़ रहा है आशा हीरो पटना में। तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दे रखा है, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आशा हीरो पटना का। तो इसका जो टायर साइज है कुछ ऐसा मिल जाता है टायर सेक्शन, और इसमें ड्रम ब्रेक वगैरह दे रखा है इस गाड़ी में। तो कुछ ऐसा मतलब लुक आ रहा है गाड़ी का, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और क्रोम दे दिया है एग्जॉस्ट पे, तो और अच्छा लग रहा है। तो बाय द वे इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे एक्सटेक की बैजिंग मिल जाती है, स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाय द वे इसमें पावर स्टार्ट भी दे रखा है इस गाड़ी में, आपको पावर स्टार्ट दे रखा है। और बैक से भी गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है, मतलब नॉर्मल सा दे रखा है, पहले जैसा ही है, अपडेट करके थोड़ा बहुत लाया है, तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है गाड़ी का। सो गाइस, BHP की बात करें तो 7.91 BHP देखने को मिल जाता है इसमें, 8.5 NM का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है इसमें आपको। एक बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है 11 लीटर का, जो कि मोर फ्यूल कंज्यूमिंग है। इसका माइलेज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस स्प्लेंडर का आपका। तो इसका ये कलर में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है ये जो बाइक है।